से है, आप वो देख सकते हैं सामने, वहाँ से ये अंडरपास स्टार्ट हो रहा है और ये अंडरपास जा रहा है मीना बाज़ार तक, और जैसे कि आप देख रहे हैं। और जो पहला मरहला है उसका जो 30% काम है जैसे कि आप देख रहे हैं वो हो चुका है, जिसमें बेसमेंट बनना और साइडों में दीवार बनना इसमें शामिल है। 70% काम होना बाकी है पहले मरहले की बात में कर रहा हूँ। पहले मरहले में अभी आप देख सकते हैं सामने यहाँ खुदाई हुई नहीं है, खुदाई होना बाकी है, साथ साथ यहाँ प्रॉपर प्रिकॉशनरी मेजर्स करना बाकी है। बाकी जो दूसरा मरहला है ब्रिज के नीचे वाला, वहाँ खुदाई होना बाकी है। तीसरा मरहला आप देख सकते हैं सामने अब उसका कॉलोनी वाला, वो अभी खुदाना बाकी है, अलबत्ता वहाँ ड्रेनेज सिस्टम डलना शुरू हो गया है। करीमाबाद का जो अंडरपास बन रहा है ये उन लोगों को फ़ायदा देगा जो कि हुसैनाबाद पूरी स्ट्रीट से डूवर्स जा रहे हैं नाजमाबाद या फिर औरंगी या फिर नॉर्थ नाजमाबाद ब्लॉक जे या बफर जोन। जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे सामने है कराची का करीमाबाद के अंडरपास, यहाँ की सफाई सुथराई की आपको मैं अभी कुछ दिन पहले अपडेट दी थी मैंने आपके सामने कि यहाँ इतना साफ़ सुथरा किया हुआ है इस रोड को कि अगर आप देखें तो आप अश कर जाएं। आप देख सकते हैं कि यहाँ जो है सामने किसी ने नीचे काजल गिरा दिया है और पूरा काजल जो है फैल गया है और उस काजल में से धुआं उठ रहा है, वरना सफाई तो बहुत ज़बरदस्त है यहाँ, आपको ये रोड गंदा नहीं मिलेगा। आप देख सकते हैं सामने अंडरपास बन रहा है और अंडरपास बनाने के साथ साथ जो मिट्टी है ना, मिट्टी वो मिट्टी को ऐसा उठा रहे हैं कि आपको नज़र ही नहीं आएगी मिट्टी, क्योंकि वो कहते हैं मिट्टी है सोना है। अगर मिट्टी हमने यहाँ छोड़ दी खुदाई करके तो ये मिट्टी जो है ना कोई और लेके चले जाएगा और चोरी कर लेगा, तो हम क्या करते हैं मिट्टी फ़ौरन ही उठाते हैं, जहाँ खुदाई होती है मिट्टी उठा लेते हैं। आप देख रहे हैं आपको कहीं भी मिट्टी नज़र नहीं आ रही, इवन कि आपको यहाँ मिट्टी के साथ साथ कचरा भी नज़र नहीं आएगा, आपको नीचे थोड़ा थोड़ा काला काला धुआं उठता हुआ नज़र आ रहा है, काली शहम से एक्चुअली ये काजल वाले का काजल के नीचे गिर गया था तो वो पूरा फैल गया है, और उस फैलने की वजह से क्या हुआ है कि डामर डला है और डामर से धुआं उठ रहा है। बोला किसने लाया ये, कि यहाँ कचरा तो है ही नहीं, आप देखें कहीं नामो निशान नहीं कचरे का, वो देखें बाटे के पास। अगर आपको कचरा नज़र आए तो मुझे बताया, आपको कोई कचरा नज़र आ रहा है नहीं ना। लोग खाम कहते हैं कराची वाले क्या खाम कहते हैं यार कराची में कचरा है, कचरा है, कहाँ कचरा है यार। आप देखें अंडरपास में भी कोई कचरा नज़र नहीं आ रहा आपको, कि आपको कचरा नज़र आ रहा है अंडरपास में, नहीं ना। खाम कई लोग बोलते रहते हैं कि नहीं कचरा है कचरा है, कहीं भी कचरा नज़र आ रहा है, साफ़ सुथरा पड़ा हुआ है। ईद का 14 दिन है कराची में और चमक रहा है कराची, धमक रहा है, और यकीन माने ये वाली जो चमक धमक पूरे पाकिस्तान में अगर हो गई ना तो पाकिस्तान को आगे जाने से कोई नहीं रोक सकता। तो मेरे जितने भी यहाँ के नुमाइंदे हैं हुकूमत के या अपोजिशन के, उन सबको मैं सैल्यूट पेश करता हूँ कि उनकी काविशों से जो है कि कचरा कराची का उठा हुआ है, करीमाबाद पे कहीं कचरा नज़र नहीं आ रहा, और हर जगह जो कचरा है वो बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा। और आप देखते हैं कि लोग कितने प्यार मोहब्बत से बैठे हुए हैं, और सबसे अच्छी बात ये कि यहाँ आपको कहीं भी कचरा नज़र नहीं आ रहा। थोड़ा सा कनेक्शन का मसला चल रहा है, मगर आपको मैं दिखा रहा था कराची की खूबसूरती कि आपको कहीं कचरा नज़र नहीं आएगा कराची में, ख़ासकर अगर आपको कराची का मिसाली एरिया दिख रहा है तो आप करीमाबाद आ जाइए। मैं कहता हूँ आप ईद का 14 दिन आज देखो छुट्टी का दिन है और कल इतवार है, तो मैं कहता हूँ कि आज आप ईद जो है और जो प्रकृति जो है आप करीमाबाद के अंडरपास पर आके मनाइए, क्योंकि यहाँ आपको मिट्टी नज़र नहीं आएगी, यहाँ आपको फुटपाथें बनी हुई नज़र आएंगी, यहाँ आपको कचरा कहीं नज़र नहीं आएगा। आप देखिए सामने डामर डला हुआ है, डामर में से धुआं उठ रहा है, ये डामर है, किसी ने कचरा नहीं जलाया हुआ, ये डामर है, यहाँ रोड डल रहा है। आपको पता है इस रोड को डालने के लिए इनको इतने जतन करने पड़ते हैं और बड़ी मेहनत करनी पड़ती है लोगों को, तो मैं मुबारक पेश करता हूँ यहाँ की इंतज़ामिया को जो कचरा उठवा रही है, कचरा यहाँ रखा हुआ नहीं है करीमाबाद पर, और जैसे ही अंडरपास खुदता है तो मिट्टी को उठा लिया जाता है और रोड बन जाते हैं। आप देखें सामने पूरा जो है वो रोड बना हुआ है, कहीं आपको मिट्टी नज़र नहीं आएगी और कचरा तो कहीं आपको नज़र नहीं आएगा, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। और ये सामने आप देख रहे हैं ना काला काला जो पड़ा हुआ है, ये धुआं जो उठ रहा है, ये एक्चुअली ये डामर डाला है इन्होंने ताकि रोड बन सके, जैसे ही खुदाई होती है फ़ौरन रोड डाल देते हैं भाई के। तो मैं तो वज़ीर आला साहब जो है उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ, मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ मेयर का।